गोरे अंग्रेज तो चले गए हमारे इंडिया से, लेकिन काले अंग्रेज अभी भी कुछ हैं, जिनकी वजह से जो यूथ जहाँ पे खज्जल हो रहा है ना, जे काले डोगरी से बोलो कोई गल, काले अंग्रेज जिंदी वजह के ना खज्जल हो रहे हैं, गोरे अंग्रेज चली गए। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे भारत वतन के काम आए, ना खौफ है मौत का ना आरजू है जिंदगी की, लेकिन जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। इस वक्त मैं उसी जगह पर हूँ, ये जगह आप बखूबी से जानते होंगे, ये तमाम जितने भी मेरे आजू बाजू बैठे हैं BSF और CISF के एस्पायरेंट हैं। आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी को फांसी हुई थी, और पूरा देश आज गम में है। जो एस्पायरेंट है ये भी गम में है, और श्रद्धांजलि भी दी। आप देखिए अभिषेक जी तस्वीरें बताएं कि मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ तो इन्हीं के बदौलत। एक छोटी सी उम्र में जज्बे आज़ादी का वो चिराग जलाया कि पूरा देश रोशन हो गया। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि आज तमाम जितने भी BSF CISF के एस्पायरेंट हैं वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं और शहीदों को याद कर रहे हैं जिनकी शहादत की वजह से आज मुल्क आज़ाद है। दीपक जी, आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी समय से आप डिमांड लेकर बैठे हैं, अभी भी जो है खुले में आप जो है आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, शहीदों के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जो शहीद आजम, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, उनको मैं श्रद्धांजलि देकर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं एक बात और भी बोलना चाहूँगा, गोरे अंग्रेज तो चले गए हमारे इंडिया से, लेकिन काले अंग्रेज अभी भी कुछ हैं, जिनकी वजह से जो यूथ जहाँ पे खज्जल हो रहा है ना, जे काले डोगरी से बोलो कोई गल, काले अंग्रेज जिंदी वजह के ना खज्जल हो रहे हैं, गोरे अंग्रेज चली गए। अरे इन्हें तो कुर्बानियां दी ही अपने देश आजाद कराया है, कि आने टाइम पर यूथ जेडे बेरोजगार बच्चे गरीब लोग इन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पोग, लेकिन जिस वजह कन्नै तुसें दिखा दे हो अज 57 दिन हो गए न असें इत्थे बैठे दे, बड़ा यूथ है रोड़ें पर उतरी आए दा, सड़कें पर खज्जल होवा दा, लेकिन मैं उ गल आखना कि अंग्रेज तो चलीए, गोरे अंग्रेज तो चलीए, लेकिन काले अंग्रेज अली भी इतने बैठे दे, जिंदी वजह कन्नै असें इतने बैठे दे। और मैं एक गल होर आखना चाहना, क्योंकि जल्दी मैं तुम्हारी पोस्ट दिखना हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट गर्व है महाराज तुंदे सलूट करना मैं तुहें दी। तो अभी तमाम जितने भी BSF और CISF के एस्पायरेंट, देखिए बारिश हो रही है लेकिन अभी भी खुले में बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, और आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे शहीद या हमारे जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने शहादतें दी उनको यूथ ने याद किया, और तमाम जितने भी लोग हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आज बात शहीदों की है, क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान याद है तो हमारे शहीद आज़म भगत सिंह के कारण, राजगुरु, सुखदेव, बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने शहादतें दी और इस मुल्क को जो है आज़ाद किया गोरे अंग्रेज़ों से। लेकिन जिस तरह से दीपक जी ने बताया कि गोरे अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले अभी भी यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आपसे पूछना चाहूँगा कि आज बहुत जो आज शहीद आज़म तमाम क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी, आप क्या कहें? जी नमन है उन तीनों जो हमारे लिए क्रांतिकारी थे, और मोटिवेशन आती है कहीं ना कहीं उनकी बातें सुन के कि किस तरह से उन्होंने देश आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया और हमारे लिए कुर्बान हुए वो देश आज़ाद करने के लिए, और कहीं ना कहीं हम यूथ को देखना चाहिए और उनके बारे में शहीदों को याद रखना चाहिए। बिल्कुल, और क्या कहेंगे जनाब? सर देखिए ना, जब देश हमारा आज़ाद हुआ
उसके लिए कई लोगों ने सैक्रिफाइस दिया जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे भगत सिंह जी का नाम हम सबसे पहले लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, क्योंकि अगर वो इतनी सी उम्र में अपने देश के लिए जान दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो एक और मैं बात बोलना चाहूँगा कि जब भगत सिंह जी ने जान दी, अपनी शहीदी दी, तो उन्होंने सोचा था कि अंग्रेज़ तो चलो चला गए, उनकी शहीदी काम आई तो अंग्रेज़ चले गए, लेकिन उन्हें शायद इस बात का मालूम नहीं था कि हमारे हिंदुस्तानी ही जो काले हैं वही अंग्रेज़ आगे बन जाएंगे। कहने के जो सरकार है भाजपा की, वो आज अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बदतर हमारे साथ ट्रीटमेंट कर रही है, व्यवहार कर रही है, क्योंकि उम्मीदें काफ़ी थी सरकार से कि हमारा हल होगा, लेकिन उन्होंने हमारी तो रोटी तक छीन ली सर। हमने हर चीज़ क्वालिफाई की बच्चों ने, हम बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस इसलिए देते कि हमने किसी से भीख नहीं मांगी कि आप हमें रोजगार दे दीजिए घर बैठे बैठे। इन बच्चों ने हर चीज़ क्वालिफाई की, हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया, लेकिन आपने बाद में फिर से इनसे बोल दिया कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। और सर एक अंदाज़ा लगाइए, इनके जब एमपी साहब जुगल किशोर जी बोलते कि ओवरएज जो बच्चे होंगे उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो कैसा लगता होगा हमें? हम उनकी जनता हैं, हमने उन्हें चुन के भेजा है, कोई वहाँ पे वो उनको सींग नहीं लगे थे कि वो सीधा जाके वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के हमारी वजह से बैठे। और एक और बात, जब आप बोलते हैं कि एवरेज हो गए तो किसकी वजह से हुए, ये बात नहीं सोचते वो, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन कब होते हैं? जब आप एक भर्ती को 4 साल लगा देते हैं, बच्चे का करियर तबाह हो जाता है, आपको कुछ परवाह नहीं है, आप कुर्सी पे बैठे एसी रूम में बैठे, लेकिन जो बच्चा गरीब है ना, जो ग्राउंड पे है, जो जिसकी भर्ती को आप 4 साल लगा देते हैं, वो तड़पता है, उसको नौकरी चाहिए। 4 साल लगा दी हमने वेट किया कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन लास्ट में हमें बोल दिया गया नौकरी नहीं मिलेगी, इतना खर्चा हुआ उसके बाद बोलते हैं नौकरी नहीं मिलेगी। हम किसी मिनिस्टर के बच्चे नहीं है, किसी बड़े बड़े सेठ के बच्चे नहीं, अगर इतने बच्चे होते ना हम अमीर घरों से, तो हम यहाँ पे 56-57 दिन से इतनी बारिश में इतनी धूप में नहीं बैठते। हम गरीब घरों से आते हैं सर, गाँव से आते हैं, बॉर्डर से आते हैं, लेकिन सरकार इन 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 युवाओं को नहीं देख रही है जिनके अंदर एक जज्बा है अपने देश की सेवा करने का। हम इन शहीदों को देख के, भगत सिंह जी को देख के हम यहाँ पे आए हैं, इनको हमने बचपन से फॉलो किया है कि इन्होंने अपने देश के लिए जान दी तो हम भी देना चाहते हैं ना। हम वहां पे कोई मलाई खाने नहीं जा रहे, कोई गुल्ली डंडा खेलने नहीं जा रहे कि बॉर्डर में हमने जाना है, बॉर्डर पे जान की बाजी लगानी पड़ती है। इनके बच्चे जाएंगे, इनको बोले कि एक दिन भेज दीजिए अपने बच्चे, ये भेजेंगे? मैं सरकार को सिर्फ बार बार यही बात बोलता हूँ कि जो हमारा पेशेंस है इसको इंपेशेंट में बदला ना जाए, बच्चों की डिमांड को फुलफिल किया जाए, क्योंकि इसका अगर सबसे ज्यादा अफेक्ट अगर किसी को होगा तो इनको ही होगा। हमारा करियर अगर मतलब दाव पे लगाते हैं, इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा और दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। मैं इनको बार बार यही बोलता हूँ कि बच्चे का भविष्य से ना खेले। आज हम फिर से नमन करते हैं भगत सिंह जी को जिन्होंने हमारे देश के लिए शहीदी दी। आज हम यहाँ पे बैठे हैं ना, आज हम फ्री बैठे हैं, हमारे ऊपर कोई डोमिनेंस नहीं है इनकी वजह से, लेकिन हमारे देश के जो ये सरकार है, भाजपा सरकार है, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भी बदतर व्यवहार हमारे साथ करती है, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती है हमारे जम्मू के युवाओं में। मैं आपके वीडियो आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर अपील करता हूँ कि आप इनको बोलिए, जो MOSPMO साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, अशोक कोल जी जनरल सेक्रेटरी जो बीजेपी के, रविंदर रैना साहब है, हमारे होम मिनिस्टर में राजनाथ सिंह है, मोदी साहब है, अगर उन तक न्यूज हमारी पहुंची, राजनाथ सिंह जी हैं, उनसे मैं सिर्फ एक ही अपील करता हूं कि हमारे बच्चों के बारे में सोचिए, हमें मत हरास करें, हमारे जिंदगी के साथ मत खेले, हमारे फ्यूचर के साथ मत खेले। आप एक तरफ बात करते हैं इंप्लॉयमेंट की, आप इंप्लॉयमेंट देंगे, रोजगार देंगे, वो इंप्लॉयमेंट कहां जाती जब आप रोजगार छीन लेते, जो बच्चे इंप्लॉयड हो चुके हैं। हमें तो सिर्फ ट्रेनिंग करनी थी, आप 2 महीने से यहां पे अपने कार्यालय के बाद हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दे रहे हैं, हरास हो रहे बच्चे, इनको खाने तक नहीं मिलता था 40 दिन, लोगों ने हेल्प की तभी आप सर्वाइव कर पा रहे। तो सर एक दुख होता है इस चीज का कि इफ यू वोट, अगर आप वोट करते किसी पार्टी को, अगर वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, अगर अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, आप उनकी कंपेनिंग देखिएगा सर, बोलते हम आपको रोजगार देंगे, हम महिलाओं को ये देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको अपने कार्यालय के बाहर पता नहीं, हम उनके कार्यालय के बाहर बैठे तो उनके लिए हम कलंक है। क्या है उनके लिए हम कलंक है, उनकी सत्ता के ऊपर कलंक है। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारा काम नहीं किया। जब भी ये पार्टी ऑफिस आते हैं ना, कोई भी नेता आता है हमें देखता सबसे पहले, हमारे पास आए ना आए हमें देखता, कहीं ना कहीं इनके ऊपर कलंक है। और जब तक ये कलंक नहीं ना हटेगा, सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी सर। तो आप देख सकते हैं अभिषेक जी, ये तस्वीरें बताएं किस तरह से ये एस्पायरेंट बैठते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश से बचने के लिए कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा। जनाब बारिश हो रही है, कहाँ जाएंगे सर? रोना तो अस इतना गया, राती भी इतना खज्जल होए हे, अगर इंदे अंदर इंसानियत होंगी ही तो एक बार भी आते हे कि बच्चा तुम साढ़े दफ्तर अंदर बैठी आओ, लेकिन इंदे अंदर इंसानियत है कि नहीं है। गोरे अंग्रेज तो चली गए लेकिन काले इतने गण रही है, जेडे यूथ को जो रुट्टी खुई लै दे पानी खुई लै दे ए देश गुलाम हों तो उ खरा रोना। हाँ तो और भी बहुत सारे यहाँ पे एस्पायरेंट हैं, क्या लगता है जनाब बारिश हो रही है कैसे रहेंगे? हमें तो अच्छा ही लगता है जब बारिश में बैठते हैं, शायद
सबसे पहले आज तो कोई अपने जो मांगे हैं उस पर हम ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं, मैं ज़्यादा अपने जो हमारे शहीद आज़म है भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी, आज उन्हीं को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि आज के दिन हर वो माँ रोई होगी, हर वो नौजवान रोया होगा, आज का दिन ना भूला जा सकता है। बिल्कुल। और क्योंकि उन्होंने जो काम वो कर गए हैं, बिल्कुल, ना कोई भगत सिंह आज तक पैदा हुआ है ना कभी होगा। क्योंकि उनकी बातें सुन सुन के, उनके जो कारनामे थे बड़े बड़े, उन्होंने जज्बातों को उनको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आज हम बैठे हैं तो उन्हीं को फॉलो कर करके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हीं के कुछ चीज़ें हम फॉलो करते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उन्होंने इनकलाब लाया था जी। उन्होंने इनकलाब लाया था अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, तो इसे भी इनकलाब ही मान लीजिए कि ये भी इनकलाब अब आ चुका है। या तो डिमांड, हमारी डिमांड से नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं अपनी वर्दी जी। जिस पे हमारा हक है, क्योंकि हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं और हमें ये चाहिए, लास्ट में जब सीधी बात बोलते हैं, हमें ये चाहिए, हमारी वर्दी हमें चाहिए, जैसे तैसे जैसे मर्जी। जो है देशभक्ति नहीं होती और हर किसी में बॉर्डर पर जाने का जज्बा नहीं होता। यहाँ पर जनाब क्या लगता है आपको, आज शहीदी दिवस भी है, हमारे तीन क्रांतिकारियों ने आज उनको फांसी हुई थी, क्या सबसे पहले मैं हर एक जो स्वतंत्रता सेनानी है, हर एक को, छोटा हो बड़ा हो, जिसने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना योगदान दिया है, मैं सबसे पहले उन सबको नमन करता हूँ। और फिर मैं अपनी जो हमारी डिमांड है, जिस रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम अपनी गवर्नमेंट से, सबसे पहले मैं अपने एमपी सर गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहता हूँ। सर, नंगे आवन नंगे जाना, किसे ना रहना राजा राणा। सर, अगर तुम इस टाइम सत्ता विच बैठे हो ना, सिर्फ इंदे करके बैठे हो, ये पब्लिक करके बैठे हो, और तो अभी आप बोल रहे हो कि ये जो 1356 वैकेंसी थी आप सबने क्लियर कर ली है, बच्चों ने जो बच्चे मेरिट लिस्ट में थे उन्होंने, जो ऊपर थे उन्होंने कर लिया, बस उन्हीं को मिलेगी। सर, अभी मुझे इतना बता दो, हमने कोई एक एक भर्ती नहीं देखी है, हमने पहले भी कई भर्तियाँ देखी हैं, और इन्होंने फिर 3300 बच्चे, 1300 वैकेंसी पर 3300 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, जे इन्होंने खिलवाड़ किया गया हमारे साथ, तब DDC इलेक्शन थी, मुझे लगता है यही लग रहा है मुझे कि इन्होंने खिलवाड़ किया हमारे साथ, तब रिक्रूटमेंट एजेंसी को कहकर वैकेंसीज जो थी वही रहने दी और सिलेक्टेड बच्चे ज़्यादा करवा लिए, 3300 बच्चे सिलेक्टेड करवा लिए सिर्फ 1356 वैकेंसीज पर। ऐसा कभी भी नहीं हुआ पैरामिलिट्री फोर्सेस में, हमने पहले भी कई भर्तियां देखी हैं, कोई पहली बार भर्ती नहीं देख रहे हम, हमने जितनी भी, और तो और पहले फिजिकल होता है, फिजिकल हर बंदा फिजिकल क्लियर नहीं कर लेता, पहली बार हो सकता है कि किसी भर्ती में वो फिजिकल उसका रह जाए, फिर वो अपना परीक्षण करता और ज़्यादा करता है तो फिजिकल निकालता है, फिर एग्ज़ाम क्रैक करना कोई खाला जी का घर नहीं है, एग्ज़ाम करने के लिए भी क्रैक करने के लिए कोचिंगें ली, ये सब करके मेडिकल फिट हैं, हमारा सब कुछ हो गया, पर हमें लगता है कि इन्होंने 3300 बच्चे सेलेक्ट करवाकर इनका ये खेल था सिर्फ DDC के वोट लेने के लिए। जब हमने देखा कि 3300 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं तो हमने लगा कि इनमें से ज़्यादा 300 या 400 छोड़ेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 300-400, वो भी वो जो मेडिकल फिट नहीं होंगे, जिनको कोई बीमारी से कई वजह से निकाल देते हैं वो, और तो जो जितने भी सिलेक्टेड हुए इन्होंने वो भी नहीं लिए जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट में दिया था, बस वही, ये हमारे साथ खेल गए हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो पार्लियामेंट में लेकर जाएं और दोबारा उन जो डिमांड हमारी एक्चुअल डिमांड है उसे वहां पर बोलें, ना कि हम न्यू रिक्रूटमेंट के लिए जहां बैठे, हमें पे ज्वाइनिंग चाहिए सर, और कृपया हम पर गौर दीजिए। चलिए शुक्रिया। तो आज शहीदी दिवस है और तमाम देशवासी इस वक्त जो है शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तमाम क्रांतिकारी जिनको आज
फांसी हुई थी उनको याद कर रहे हैं। पूरा देश आज गम में था और उस देश के साथ साथ हमारे जो यहाँ पर BSF और CISF के एस्पायरेंट हैं उन्होंने भी आज शहीदी दिवस मनाया और कैंडल जलाकर जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों को याद किया, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका थी वो इन क्रांतिकारियों ने निभाई। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा, आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ जय हिंद।